अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एक ऐसी मूवी है जिसमें एडवेंचर, इमोशंस, कॉमेडी, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न्स, बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस और परफेक्ट क्लाइमैक्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। इन्फिनिटी वॉर में बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें नोटिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और इस वीडियो में हम अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी की 20 डिटेल्स और ईस्टर एग्स के बारे में जानेंगे जो शायद आपने मिस कर दी हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन, हल्क को अर्थ पर भेजने से पहले हेमेडाल कहता है, ऑल फादर्स लेट द डार्क मैजिक फ्लो थ्रू मी वन लास्ट टाइम, और ये डायलॉग रेफरेंस है द अवेंजर्स मूवी का, जहां लोकी थॉर से कहता है कि बायफ्रॉस्ट के खत्म होने की वजह से ऑल फादर्स को कितनी डार्क एनर्जी यूज करनी पड़ी होगी तुम्हें यहाँ भेजने के लिए। और इन्फिनिटी वॉर में पता चलता है कि वो हेमेडाल ही था जिसने द अवेंजर्स मूवी में थॉर को अर्थ पर भेजा था, और जो ऑल फादर्स और डार्क मैजिक की हेल्प से बायफ्रॉस्ट को यूज कर सकता है। नंबर टू, ब्रूस बैनर जब सैंक्टम सैंक्ट्रोनम में क्रैश करता है तब हम वहां बायफ्रॉस्ट की मां को देख सकते हैं। इससे पहले अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में थॉर ने अवेंजर्स कंपाउंड पर बायफ्रॉस्ट का मार्क छोड़ा था। नंबर थ्री, इस फाइट में कल ऑब्सीडियन वॉन्ग की वजह से अपना एक हाथ खो देता है, और फाइनल बैटल में हम उसे आर्टिफिशियल हाथ के साथ देख सकते हैं। नंबर फोर, टोनी स्टार्क क्यू शिप पर पेपर पॉट से बात कर रहा होता है तब बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा होता है, और ये वही बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर्स मूवी में जब स्टीव और पैगी आखिरी बार बात करते हैं तब यूज हुआ था। नंबर फाइव, इन्फिनिटी वॉर में जब गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी का इंट्रोडक्शन होता है तब वो द रबर बैंड मैन सॉन्ग गा रहे होते हैं, और ये सॉन्ग ऐसे लड़के पर है जिसे ओवरवेट होने के कारण चिढ़ाया जाता है, और कुछ ही समय बाद ड्रैक्स और रॉकेट पीटर को इसी बात पर चिढ़ाते हैं। I'm muscular. But who are you kidding, Quill? You're one sandwich away from fat. Yeah, right. It's true, Quill. You have put on weight. What? Number 6. रॉकेट रकून जब थॉर के साथ निडाविलियर जा रहा होता है तब पीटर क्विल कहता है कि रॉकेट निडाविलियर इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां थैनोस नहीं है। फाइनल बैटल में सिर्फ रॉकेट ही ऐसा कैरेक्टर था जिसने थैनोस के साथ फाइट नहीं की। नंबर 7, कॉर्वस ग्लेव जिस वेपन से और जिस तरीके से विजन पर हमला करता है उसी वेपन और सेम तरीके से एंड बैटल में विजन कॉर्वस ग्लेव को मारता है। नंबर 8, जब गमोरा थैनोस पर स्वॉर्ड से अटैक करती है तब भी उसके स्वॉर्ड पर खून नहीं लगा हुआ होता, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो रियल थैनोस नहीं होता बल्कि रियलिटी स्टोन को यूज करके उसने फेक रियलिटी को क्रिएट किया होता है। नंबर 9, इस सीन में गमोरा थैनोस को बताती है कि उससे उसकी चेयर यानी कि थ्रोन ऑफ थैनोस कभी भी पसंद नहीं थी, और इसी वजह से थैनोस चेयर पर बैठने की बजाय वहीं पर नीचे बैठता है, ये दिखाने के लिए कि वो सच में गमोरा से प्यार और उसकी फिक्र करता है। नंबर 10, ईड्री जिसने म्योनिर, इन्फिनिटी गॉन्टलेट, स्ट्रॉम ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स बनाए हैं, उसने कहा था कि स्ट्रॉम ब्रेकर बायफ्रॉस्ट समन कर सकता है, और इस सीन में हम स्ट्रॉम ब्रेकर्स फोर्जिंग मॉल्ट पर बायफ्रॉस्ट का पैटर्न देख सकते हैं। नंबर 11, जब आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन टाइटन पर लैंड करते हैं तब गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी उन पर ग्रेनेड थ्रो करते हैं, और इस सीन को अगर फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो ग्रेनेड ब्लास्ट होने से पहले ही उससे बचने के लिए आयरन मैन और स्पाइडरमैन के हेलमेट्स एक्टिवेट हो गए थे। नंबर 12, थैनोस और गमोरा जब वॉलमेर पर रेड स्कल से मिलते हैं तब थैनोस गमोरा को इन्फिनिटी गॉन्टलेट से प्रोटेक्ट करता है, और वो तब तक प्रोटेक्ट करता है जब तक वो कन्फर्म नहीं हो जाता कि रेड स्कल उनके लिए थ्रेट नहीं है। नंबर 13, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से हमने देखा कि क्लॉक ऑफ लेविटेशन हमेशा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ रहता है और हेल्प करता है, और इन्फिनिटी वॉर के सीन में भी उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ थैनोस के हाथ को खींचने में पूरी हेल्प की। नंबर 14, वकांडा बैटल में कल ऑब्सीडियन हल्क बस्टर सूट का लेफ्ट हैंड तोड़ देता है, और अवेंजर्स एंड गेम में जब हल्क बस्टर थैनोस के हाथ को पकड़ता है तब अगर उसके लेफ्ट हैंड को ध्यान से देखें तो एल्बो से नीचे वो अनपेंटेड होता है, जिससे पता चलता है कि वो हल्क बस्टर का नया हाथ है। नंबर 15, डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस की फाइट में जब डॉक्टर स्ट्रेंज इमेजेस ऑफ इकॉन स्पेल का यूज करके अपनी कॉपीज बनाते हैं तब थैनोस पावर स्टोन और सोल स्टोन का यूज करता है डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल को तोड़कर रियल डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ने के लिए। नंबर 16, आयरन मैन और थैनोस की फाइट के वक्त जब आयरन मैन थैनोस पर लेजर बीम से अटैक करता है तब हम क्लियरली देख सकते हैं कि थैनोस उससे बचने के लिए सिर्फ इन्फिनिटी गॉन्टलेट ही नहीं बल्कि पावर स्टोन का भी यूज करता है। नंबर 17, जब डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन दे रहा होता है तब हम सर्जरी के मार्क्स के साथ साथ हाथ शेक होता हुआ भी देख सकते हैं,
और तो और इस सीन को भी अगर जूम करके देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ शेक होता हुआ दिखता है। नंबर 18, टाइम स्टोन सिर्फ एक ही ऐसा इन्फिनिटी स्टोन है जिसे किसी भी एमसीयू मूवी में फिजिकली टच नहीं किया गया। जब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को थैनोस को देते हैं और थैनोस उसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट में रखता है, तब जैसे स्टोन के अराउंड सॉर्ट ऑफ एनर्जी है जो स्टोन को टच होने से प्रोटेक्ट कर रही है, और इसी वजह से दोनों भी उसे फिजिकली टच नहीं कर पाते। शायद लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सिर्फ टाइम स्टोन को अपने हाथों से टच नहीं कर पाते, क्योंकि एंड गेम में जब इन्फिनिटी स्टोन को गॉन्टलेट में रखने के लिए रोबोटिक आर्म यूज करता है, तब वो रोबोटिक आर्म टाइम स्टोन को टच कर पाता है। नंबर 19, थैनोस जब माइंड स्टोन कलेक्ट करने के लिए वकांडा आता है, तब वो हल्क बस्टर को रॉक में फंसा देता है और वॉर मशीन को भी डैमेज करता है, पर जब थैनोस वहां से चला जाता है तब दोनों ही सूट्स नॉर्मल हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि थैनोस के वहां से जाने के बाद स्टोन्स के इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। इसका और एक एग्जांपल है ये सीन जहां थैनोस ड्रैक्स और मैंटिस को क्यूब और रिबन शेप में ट्रांसफॉर्म कर देता है, पर जब वो वहां से जाता है तब वो नॉर्मल हो जाता है। नंबर 20, एंड में थैनोस स्नैप करके स्पेस स्टोन से एक पोर्टल ओपन करता है, और तभी अगर ध्यान से देखें तो थैनोस के चेस्ट पर ग्रीन स्पार्कल्स दिखते हैं, यानी कि थैनोस ने टाइम स्टोन का यूज करके अपने आप को हील कर लिया है, और इसी वजह से चेस्ट पर वो घाव हमें आगे कभी भी नहीं दिखा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आपके सजेशंस, थ्योरीज, फीडबैक मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।